गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मैं आज आपको शेयर करना चाह रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी जो बहुत ही इंस्पिरेशनल है और जिसने मेरे जीवन को काफ़ी प्रभावित किया। दोस्तों ये कहानी है पार्क की, जहाँ मॉर्निंग वॉक पर हम जाते हैं। तो आज सुबह दौड़ते हुए मैंने एक व्यक्ति को देखा जो मुझसे आधा किलोमीटर की दूरी पर होगा। अंदाज़ा लगाया कि वो मुझसे थोड़ा दूरी धीरे धीरे ही भाग रहा था। तो एक अजीब सी खुशी मुझे महसूस हुई कि मैं उसको पकड़ लूँगा, और मुझे ये ऐसा यकीन था। मैं थोड़ा तेज़ दौड़ने लगा और आगे बढ़ते हर कदम के साथ मैं उसके करीब पहुँच रहा था। कुछ ही पलों में मैं उससे बस थोड़े ही कदम दूर था। निर्णय ले लिया था कि बस मुझे उसे पीछे छोड़ना है, थोड़ी सी गति और बढ़ाई, अंततः कर दिया। उसके पास पहुँच गया, उससे आगे भी निकल गया और एक आंतरिक हर्ष की अनुभूति मुझे हुई कि मैंने उसे हरा दी। बेशक उसे नहीं पता था कि मैं दौड़ लगा रहा हूँ, वो भी दौड़ लगा रहा है। मैं जब उससे आगे निकल गया तो मुझे एहसास हुआ, दिलो दिमाग प्रतिस्पर्धा पर इस प्रकार केंद्रित हुआ कि घर का मोड़ छूट गया, मन का सुकून खो गया, आसपास की खूबसूरती और हरियाली को मैं नहीं देख पाया। ध्यान लगने लगा तो मैं अपनी खुशी को भूल गया। व्यर्थ की जल्दबाजी में मैं 2-3 बार गिरते गिरते बचा। शायद अगर जोर से गिरता तो मैं अपनी हड्डी भी तोड़ा बैठा। तब समझ में आया, यही तो होता है जीवन में। जब हम अपने साथियों को, हमारे पड़ोसियों को हम देखकर उनसे प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, उनको अपना प्रतियोगी समझने लगते हैं, उनसे हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं और हम प्रमाणित करना चाहते हैं कि हम उससे अधिक सफल हैं। यह अधिक महत्वपूर्ण बनना ही हमारे लिए महंगा साबित हो जाता है, क्योंकि हम अपनी खुशी भूल जाते हैं। इस पीछे करने की प्रतिस्पर्धा में या आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा में हम बहुत कुछ गंवा देते हैं और अपने मार्ग और मंजिल में भूल जाते हैं, जो मार्ग की खूबसूरती उसको भूल जाते हैं और अपने मंजिल को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि नकारात्मक प्रतिस्पर्धा कभी खत्म नहीं होती, हमेशा कोई आगे होता है, हमसे कोई बेहतर होता है, उसके पास में हमसे बेहतर गाड़ी होती है, बेहतर हमसे ज़्यादा उसके पास रुपए होंगे, ज़्यादा जायदाद होगी, ज़्यादा पढ़ाई होगी, उसकी परिस्थितियाँ हमसे बेहतर होगी और उसके बेहतर हालात होंगे। इन सब में यह एहसास ज़रूरी है कि बिना प्रतियोगिता किए हुए भी हर इंसान श्रेष्ठतम हो सकता है। असुरक्षित महसूस करते हैं चंद लोग और अत्यधिक ध्यान देते हैं जो दूसरों पर, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। जो है उसी में खुश रहो। अगर आप स्वस्थ हो, स्वीकार हो, अपने आप को समझो, आप कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान नियंत्रित करो अपने स्वास्थ्य पर, अपनी सुखद जिंदगी जियो। भाग्य में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, सबका अपना अपना भाग्य है। तुलना और प्रतियोगिता हर खुशी को चुरा लेते हैं। अपनी शर्तों पर जीने का आनंद ही कुछ और है। अपनी दौड़ खुद लगाओ, किसी और को नहीं, अपने आप को अपना प्रतिस्पर्धी बनाओ। अपने जीवन को स्थिर, खुश और शांतपूर्ण बनाने का यही एक सबसे महत्वपूर्ण एक फॉर्मूला है, जो आज मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू।